नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर देने वाले साथियों, आज का जो अपडेट रहेगा साथियों, एनएम भर्ती से संबंधित रहेगा। एनएम जिसका एग्जाम 3 तारीख को हुआ था, 3 फरवरी को हुआ था, एनएसएम के द्वारा ये भर्ती करवाई थी, संविदा आधार पे भर्ती थी और बहुत अच्छी पोस्ट निकली थी, जिसका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। हमने सुबह भी अपडेट दी कि एनएम का रिजल्ट है वो आज शाम तक जारी हो जाएगा। तो साथियों, एनएम का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, तो जो जो बेनी सिलेक्ट हुई है उन सभी को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो सिलेक्ट नहीं हुई है उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नई भर्ती है वो जल्दी आने वाली है। एनएम की लगभग अगले महीने में एनएम की भर्ती आ जाएगी और कट ऑफ भी बहुत कम रही है, जैसे हमने बताया था उसी के अनुसार कट ऑफ रही है साथियों। तो कट ऑफ का वीडियो आप देख सकते हैं, हमने जो पहले बनाया था, और 495 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो ऑप्शन ई दे रखा था, क्योंकि उसमें दे रखा था कि अगर 10% से ज़्यादा अगर ऑप्शन नहीं भरते हैं तो अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो 495 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित है वो कर दिया गया है। तो ये साथियों, इसकी वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov, जिसका लिंक आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का नर्सिंग एम नाम से तो उसमें मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपना PDF और डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रोल नंबर देख सकते हैं। तो जल्दी से PDF है वो डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जुड़ी हर भर्ती हर इंफॉर्मेशन संपर्क देते रहते हैं। तो साथियों, ये रिजल्ट है वो अभी जारी हुआ है, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दिनांक 11/6/2024, महिला स्वास्थ्यकर्ता, एनएम सुविधा भर्ती 2023, पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु परिणाम, बोर्ड द्वारा राजस्थान सुविधा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के लिए महिला स्वास्थ्यकर्ता एनएम भर्ती 2023 के गैर क्षेत्र में 2770 व अनुसूचित क्षेत्र में 288 कुल 358 पदों पर भर्ती करवाई गई थी। केवल महिला आवेदक से आवेदन है वो लिए गए थे, विज्ञापन संख्या ये साथियों, ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे 6/7/2023 और 3 फरवरी को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो इस क्रम में उक्त पदों हेतु नीचे अंकित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पत्र की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। ये सूची पूर्णतः अस्थायी व अंतिम प्रोविजनल है, तथा इन्हें तैयार करते समय से अनिवार्य विज्ञान पदों को वेतन अनुसार लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की अभ्यर्थी की पात्र जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रत्यक्ष सूचित किया जाएगा। साथियों, इसके बाद है वो प्रोविजनल सूची है वो जारी होगी, ये टेम्परली अस्थायी सूची है, ये नॉन TSP अभ्यर्थियों के रोल नंबर हैं जो आप देख रहे हैं। तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पर या टेलीग्राम पर, जिस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जुड़ी हर भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन हम सुनकर अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और कट ऑफ के बारे में बात करें तो साथियों, जनरल की EWS, OBC, SC, ST, MBC और TSP के बारे में कट ऑफ है वो जैसे हमने बताया था उसके अनुसार गई है। तो विडो जो कैंडिडेट है उनके लिए तो कुछ खबरी है कि उन सबका सिलेक्शन हो चुका है, और जनरल की कटो भी बहुत कम गई है। तो ये नॉन TSP कटो मार्क्स हैं, जनरल के जिनके 108 नंबर बन रहे हैं क्योंकि कटो बहुत कम गई है, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया जिसके 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो 27 × 4 तो 108 जिनके नंबर बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर है। विडो में इसका एक क्वेश्चन सही है तो उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, और डिवोर्स में 79 पास बन रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, और एक्सरिस में एक भी कैंडिडेट नहीं मिला है। जनरल EWS में जिसके 17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसका सिलेक्शन है, वो डिवोर्स में सगला सबका है। EWS में SC में 50 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, वो डिवोर्स में 11 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उन सबका सिलेक्शन हो चुका है। तो सबको बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की तरफ से,
और आप डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिए, उसके ऊपर हमने अलग से अपडेट दे दी है तो वो भी आप अपडेट दे सकते हैं साथियों। और 495 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अयोग्य घोषित किए गए हैं, जिनको इस भर्ती से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि रूल था कि 10% से अगर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। और इस बार ये ऑप्शन थी, ऑप्शन और दिया रखा था, अगर आप कोई क्वेश्चन खाली छोड़ते हैं तो आपको ये ऑप्शन भरना था, तो उसके चक्कर में और पेपर भी थोड़ा हार्ड था, उसकी वजह से कट ऑफ है वो बहुत कम गई है। हमने पहले भी कहा था कि कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने वाली है, तो बहुत बहुत बधाई ये एसटी की है। तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे ही आगे की कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर इंफॉर्मेशन हम समय समय पर लाते रहते हैं। हमें जो भी अपडेट मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए नए जय हिंद जय भारत। तो ये ओबीसी की जिसके 84 बन रहे हैं, फीमेल डिवोर्स में 9 क्वेश्चन, एमबीसी 52, और ये टीएसपी के अभ्यर्थियों की लिस्ट है, रोल नंबर, तो अपने रोल नंबर देख लीजिए जिसकी कट ऑफ इस प्रकार है, जनरल 71 क्वेश्चन, विडो 4, एससी 45, ST 45, तो बहुत ही कम कट ऑफ गई है और लगभग सबका होने की समान, किसी भी सेट में कोई भी पर्सन डिलीट नहीं किया गया है, सभी अभ्यर्थी की प्राप्त आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है। तो ये सूत्र है, और 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प वाले अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया है तो 495 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र की वीरता के आधार पर सूची बनाते समय अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी वीरता सूची में शामिल नहीं किया गया, जिससे अन्य अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोनों क्या गया हो सकते हैं। नवीन अध्ययन के लिए बोर्ड की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, अवलोकन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और नई प्यारे शब्द के साथ फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम। तो फिर से सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, मिलते हैं और नई प्यारे शब्द में।